सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम हैं आज केलोंग मनाली में। तो मनाली यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और आज हम जाएंगे मनाली। फिर अपना है ना स्पीति वैली कैंसिल कर लिया हमने, क्योंकि भैया को थोड़ी चोट आ गई और मुझे भी थोड़ा काम आ गया घर पे। तो बाकी होटल ठीक था, मतलब सर्विस अच्छी नहीं थी, बाकी सब ठीक था। खाना भी बहुत महंगा था यार भैया। देख लीजिए ये पीछे का नज़ारा है, और बाकी अच्छा था, होटल अच्छा था, लेकिन प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर पाए वो। और बाकी ये रूम था ऐसा कुछ, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं था। तो ये सोने के लिए दो, एक SSM रूम उधर भी था। तो भैया आपको कैसा लगा रहा है यहाँ ये होटल? भाई अच्छा होटल है, व्यू काफी अच्छा है यहाँ हाँ से जी। बाहर का। हाँ भैया आपको होटल तो अच्छा है, हाँ जी, लेकिन सर्विस थोड़ी, सर्विस जस्टिफाई नहीं है ना प्राइस के हिसाब से? प्राइस नहीं 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 बहुत हाँ प्राइस है सर्विस के हिसाब से। लेकिन व्यू हाँ अच्छा भाई, है। तो बस जस्टिफाई नहीं है ना। सवेरे से वेटर हाँ देखने भी नहीं आया, हाँ रात जी, को हाँ जी, सवेरे 8 बजे से लाइट नहीं है रूम में। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है बहुत भाई। बंगाल है। एक चीज अच्छी थैंक है कि यू। व्यू आपका अच्छा है, व्यू अच्छा है, होटल व्यू अच्छा है, अच्छा व्यू अच्छा है, हाँ। सर्विस ठीक नहीं। तो वो खड़ी अपनी खुशी हुई और सभी पैंथर वैंथर सभी खड़े, बाकी सब ठीक और ये बात ऐसा कुछ नया। वैसे व्यू अच्छा था, यहाँ बालकनी में बैठ के बस गप्पे मारो। और क्या, ये स्टूल दे रखा है एक, और टीवी का दे रखा है, लेकिन टीवी चलता नहीं है। ये कुछ होटल है और ये नज़ारा है, नज़ारे एकदम नेक्स्ट लेवल थे बाकी सब। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं होटल से, कैलोन से। और कल रात को क्या है, बहुत टाइम हो गया था, लेट हो गए थे, तो आपको बाकी वीडियो नहीं बता पाए, क्योंकि रात को वीडियो शूट हो ही नहीं पा रहे थे, और बीच में मेरे को थोड़ा कैमरा भी दिक्कत कर रहा था, तो उसको भी बंद करके फिर अंदर रख लिया, और फिर सीधा कैलोन में रुके। अब हम जा रहे हैं मनाली। पहले बीच में 2-3 पेट्रोल पम्प पड़ेंगे, कारो में नहीं, कार नहीं सॉरी, बीच में पांग में पड़ेगा पेट्रोल पम्प, वहाँ भी देखते हैं। और यहाँ कैलोन में भी है पेट्रोल पम्प, लेकिन क्या पता पेट्रोल रहता है कि नहीं। फिर आगे जाके भरेंगे और सीधा निकल जाएंगे मनाली की तरफ। आज पहुँच जाएंगे मनाली, और आज का स्टे मनाली में 2-3 दिन निकालेंगे। और क्या, क्या हुआ आकाश भाई, नहीं है पेट्रोल? सो गाइस, यहाँ तो पेट्रोल है नहीं, तो मिलते हैं आपको सीधा भी पांग में, और चलते हैं निकलते हैं और बस आगे चलते। भैया नहीं है पेट्रोल, चलिए मिलते हैं आपको सीधा पांग में, वहीं नाश्ता या खाना करेंगे। और क्या, वाटर क्रॉसिंग आई है, छोटा सा है, लेकिन चलते हैं और देखते हैं। ये छोटा है और काम भी चल रहा पुल का, और जैसे ब्रिज का काम खत्म हो जाएगा फिर सीधा निकल जाएंगे। और बाकी ऊपर नीचे हो रहा है काफ़ी, एक बाइक का आप देखिए, उसका सस्पेंशन भी काफ़ी मस्त है, और डोमिनार को तो पूछे ही मत भाई, बहुत शानदार सस्पेंशन है। और बाकी बहुत बड़े बड़े, ओ भाई पूरे हर, क्या नज़ारा, क्या नज़ारा वाह, दूध सा पानी लग रहा है भाई, दूध सा एकदम झकास। चलिए अभी चलते हैं सीधा पांग और मिलते हैं तो बाकी रोड तो पूछे।
तो भाई रोड तो क्या कर रहे भाई, इधर से इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या चलाने में मजा आ रहा है बाइक को की। और रात पर अब तो बाइक को आराम भी भीग गया था काफी, 5-6 घंटे के आसपास, तो अभी क्या खुशी तहलका मचा रही है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पांग, तो पेट्रोल पंप आ चुका है इंजन ऑयल का। भाई भाई काफी भीड़ है यार, काफी भीड़ है, क्या पता पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पता से यार देखिए अभी बाकी काफी रस है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा पेट्रोल, देखते हैं। चलते थे अंदर और लाइन लगी हुई है भाई काफी, जैसे कोई पेट्रोल है ही नहीं आसपास तो फिर लाइन तो लगनी वाजिब है। पहले चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं। सो गाइस पेट्रोल भर वाले 444 का आया है और अभी कहते देखते हैं नाश्ता ही कहीं है, ये अच्छा ढाबा मिल जाए तो यहीं खा लेते हैं। हाँ चलिए, हाँ ये है तो करिए, हाँ है चलो यहीं खा लेते हैं और फिर निकलते हैं नाश्ता करके सीधा। सो गाइस नाश्ता हो गया है, अटल टनल मिलते हैं आपको और दिखाते हैं। और आप भी कैलोन के ट्रंस और लिए थे एक दो, तो फिर इसके बाद में थोड़ा हो गया जुगाड़ और फिर लिए हैं, तो आप देखिए। सो गाइस हम आ चुके हैं अभी अटल टनल, तो अटल टनल चलते हैं देखते हैं फिर आगे चलते हैं। भैया आप आगे चलो, फिर आ जाएंगे भैया आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं फिर आगे सीधा।
ये ब्रिज दीपक प्रोजेक्ट दीपक के तहत बना हुआ है और उसके आगे और सामने उत्तर टनल और ये ब्रिज दोनों साथ में ही बने हैं। तो हम ही पहुंच चुके हैं अभी अटल टनल, बाल तो यार देखो, आप बाल तो देख नहीं मेरे, निकल जाएंगे अंदर फोटो फोटो खींचेंगे। हाँ भैया देखो ये बोलो भाई जी क्या बोला भैया, वो है दीपक ब्रिज जो वो कि शानदार लग रहा है। Thank you.